बाहर के नज़ारे देखते हुए आप वर्कआउट कर सकते हैं। जितना ये छोटा दिखता है वो है इतना डेंजर। ब्रेकियलिस जो पार्ट है बाइसेप्स का, ये इसमें एकदम पीक में फोर्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का वीडियो होने वाला है, जी हाँ, इस जिम के ऊपर, जिस जिम का नाम है माय जिम फिटनेस हेडक्वार्टर। तो आइए सीधे चलते हैं जिम में। तो ये रहे मैन भाई और हम आ गए माय जिम के अंदर में। हेलो मैन भाई, कैसे आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जिम ओपन करके रखा है आपने और थैंक यू। मशीनें भी बहुत प्यारी लग रही है आपकी, जिम कॉम्बिनेशन कलर भी बहुत प्यारा है। तो कब ओपन किया आपने जिम? यार ये तो 21 जून को ओपन हुई थी 2021 में। हाँ, और जिम आपने कब से स्टार्ट किए थे, कितने साल हो गए? अच्छा, जिम मेरी पर्सनल शेड्यूल, वर्कआउट शेड्यूल। अच्छा, मैं तो यार 10 सालों से कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर वर्कआउट नहीं करता था एक्चुअली। मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। हाँ, तो थोड़ा जिम से थोड़ा डिफरेंट वे हो जाता है। अच्छा, तो कैलिस्थेनिक्स से फिर जिम में आने का कैसा क्या इंटरेस्ट की वजह से कि लोगों को सिखाना है, लोगों को फिटनेस को लेके थोड़ा जागरूक करना है, थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस डालनी है कि यार फिट रहिए और जिंदगी में थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल थोड़े से बढ़ाइए अपने। अच्छा, दैट्स इट, नथिंग एल्स की है। बॉडी बिल्डिंग करनी है और ये वो ना, ये सब चीज़ें। ओके, और आप नेचुरली है आपकी बॉडी, मैंने आपने बताया था मेरे को। बिल्कुल, तो आपने किसी भी तरह के सप्लीमेंट कभी यूज नहीं किए? कभी नहीं। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, आप अपनी जिम के बारे में ही बता दीजिए, कौन सी मशीन कैसी यूज की जाती है और क्या नाम है उसका। ये असिस्टेंट चीन अप मशीन, जिसमें दो वर्कआउट होती है, एक चीन अप होती है ग्रिपिंग काफी चेंजेस है और एक होती है डबल बार डी जो की 600 ट्राइसेप्स। और ये एक और एंगल, ये भी एंगल जो ये भी बैक के लिए, ये वाइड एंगल होता है। अच्छा, ये वाइड एंगल और ये सिंपल और ये सीखना मुझे, ये एक्चुअल में सपोर्ट होता है। जो जो बंदा या बंदी अगर अपना वेट कैरी नहीं कर पाता है, हाँ, तो उसको से बजाय ये एक्स्ट्रा वेट लगा के दे दिया जाता है कि चलो आपका एक्स्ट्रा वेट कैरी करके। वो अकेला बंदा इसको नहीं, तो एक बंदा सपोर्ट के लिए करिए। अच्छा, तो उसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके ओके, और इस ये इधर पे वेट लगे हुए हैं यहाँ पे, उससे वेट अपने अकॉर्डिंग, वेट अपने हिसाब से वेट कर सकता है। जैसे 70 kg, आप 70 kg पूरा नहीं उठा पा रहे, तो उससे 50 में या फिर 57 में ऐसे वेट सेट करके रखना कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। सीसी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन जितना ये छोटा दिखता है वो है इतना डेंजर। अच्छा, तो कैसा क्या इसका रहता है? सेट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? हाँ हाँ। देन उसके बाद पैर को ऐसे फंसाया जाता है इसमें, ये ओके। असल में देखा जाए तो इसको लेग ब्लास्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा, और इसमें एक और एडवांस जो बता रहे थे आपकी एप्स, अच्छा, के लिए, हाँ, जब आप इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल में चले जाते हैं, हाँ, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा लेवल आपको ज्यादा दी। ये पैर फंसाया आपने, ये स्क्वाट्स, बहुत बढ़िया। लेग रो और लेग पुल डाउन दोनों साथ में हो जाती है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेडमिल, फुली कमर्शियल है। ये स्क्रीन है, इसमें डिस्टेंस, टाइम, इंक्लाइन और स्पीड और कैलोरी बर्न, पल्स आपकी सारा कुछ दिखाता है। आप मैनुअली प्रोग्राम सेट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, स्पीड, हाँ हाँ,
यहाँ से इंक्लाइन कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो। और ये ग्रीन टाइप का जो दिख रहा है, ये ग्रीन से स्पीड बढ़ाते हैं। अच्छा, मैनुअली स्पीड है 1, 2, 3 पॉइंट में। हाँ, और ये डिस्प्ले है पूरा, इसमें आपको पूरी चीज काउंट हो जाएगी। ये टाइमिंग दिखा रहा है, यहाँ डिस्टेंस दिखा रहा है कि मैंने कितने 36 सेकंड या 37 सेकंड में कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है। ओके ओके, और ये स्पीड है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं रनिंग कर रहा हूँ या जॉगिंग कर रहा हूँ। सेकंड कार्डियो सेशन में हम चलते हैं तो ये क्रॉस ट्रेनर, हाँ, जो कि फुली ग्रेविटेशनल है, फुली खुद की एनर्जी से ही चलता है। इसको कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, वो खुद ही डिस्प्ले होने लगेगा। स्पीड और लेवल सेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा लेवल अप करते जाएगी उतना ज्यादा ही जाम होता जाएगा। ओके जी, इसको बोलते हैं फास्टर। इसमें एब्डोमिनल के लिए साइड और दोनों। ओके, ये भी खुद ही की एनर्जी से ही चलता है। ओके, ये थोड़ा इसको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है ना, जो भी एंगल हो जाता है। हाँ, ये कि अपना बॉडी वेट, जो लोअर बॉडी वेट है वो यहाँ डाल के रखना होता है, हिट कर सकते हो। और मेन एब्डोमिनल, हाँ, यहाँ से तो मस्त, बहुत ही बढ़िया फील आता है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। पेड़ वेड़ भी लगा के रखे हो आपने, ग्रीनरी का मेंटेन करना पड़ता है, बहुत जरूरी है जिम के अंदर, ज्यादातर जिम के अंदर आंखों के सामने ग्रीनरी होने से आंखों की रोशनी तेज होती है। ओके, ये पूरा दिखता है यहाँ से नीचे का। इसका नाम है मल्टी प्रेस। हाँ, यहाँ दो तरीके की वर्कआउट होती है, शोल्डर की और चेस्ट की, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें मेरे को कुछ ये भी दिख रहे है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसी मशीन। हाँ, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि कैसे क्या वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जिस एंगल में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें शोल्डर की थोड़ा एंगल चेंज कर दिया जाए तो वो चेस्ट में चला जाता है, इंक्लाइंड और फ्लैट चेस्ट हो जाता है इसमें कंप्लीट। नीचे से एडजस्ट करना पड़ता है पुली को, देन इसको पीछे से एडजस्ट करना होता है। मतलब ये आपके शोल्डर प्रेस और इंक्लाइन चेस्ट प्रेस दोनों चीज हो सकती है, इंक्लाइंड और फ्लैट दोनों। लेट मी शो। अच्छा, फ्लैट भी इसमें हो सकता है, फ्लैट भी हो जाता है। बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी से आपने मशीन लाए हो, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, वर्कआउट करने में तो और ज्यादा मजा आता है। नेक्स्ट ये बाइसेप कर, कैम्बर कर, पीचर कर, कुछ भी बोला जा सकता है इसको। बेसिकली इसको बाइसेप कर मशीन के नाम से जानते हैं। तो महन भाई, इस साइड में वेट लगता है। हाँ, ये जो एक्चुअली ये होती है फ्री लोडेड मशीन। हाँ, इसमें खुद से वेट कैरी करके लगाने होते हैं अपने, बाइसेप को हिट करती है। ब्रेकियल इसमें पार्ट है बाइसेप का, ये इसमें एकदम पीक में फोर्स आता है और बहुत अच्छा ट्रेंड होता है ब्रेकियल। नेक्स्ट मशीन हमारी ये है पेक डेक फ्लाई, ठीक है, चेस्ट और डेट दोनों के लिए, रियर डेट और फ्रंट पेक दोनों के लिए इसको एडजस्ट किया जाता है चेस्ट के हिसाब से। जैसे अगर नॉर्मली सेट करने का तरीका इसका यही है कि स्टार्टिंग से फोर्थ नंबर की क्लिप में इसको लगा के रखना होता है, देन इधर से भी वेट अपने हिसाब से जितना भी कैरी कर सकते हैं। जो भी इसको करे, सबसे पहले आप सीट एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में डेफिनेटली इसकी भी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट होती है। हाँ हाँ, ओके।
और उसके बाद में फिर आप वेट देखिए अपना कि आपका वेट कैपेसिटी देख लीजिए अपनी, देन उसके हिसाब से वेट सेट कर लो। लोग ज्यादातर लोग बंदे क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं और उसके बाद में वेट वेट नहीं देखते, उसके बाद में बहुत दिक्कत जाती है उनको। अब हम लोग रियल डेड ट्राई करके दिखाते हैं, रियल डेड शोल्डर के लिए। नेक्स्ट ये लेग एक्सटेंशन एंड कल मशीन दिख रही है मुझे, हाँ तो इसका यूज भी बताइए। ये हम लोगों के पास थोड़ा यूनिक मशीन है ये, एक्चुअली अभी तक जो मशीन आती है एक्सटेंशन कर्ल में, यही स्टेशन वो यहीं की यहीं जो ग्रिपिंग वाला सेट करने वाला होता है, उसमें सेट करने में प्रॉब्लम जाती है। अच्छा ये लीवर सिस्टम है, इससे इजीली बंदा जो बैठा हुआ है वो खुद सेल्फ सेट कर सकता है। ये लेग एक्सटेंशन था, अब इसमें कर्ल करना है अपन को, तो फिर उसमें कैसा क्या करना पड़ेगा? करने के लिए लीवर को अप करना है, देन इस लीवर को भी सेट करना है। ये एक्चुअली ये भी एक सिस्टम है, वो अपने हिसाब से हाइट के हिसाब से पैरों की लंबाई के हिसाब से सेट कर दे। ये है मीट रो, ये भी एक नया मशीन है मीट रो, ये बेक के लिए है। बेक के लिए लोअर बेकिंग भी ट्रेंड हो जाता है, अपर बेक भी ट्रेंड हो जाता है, आपके रियल टेस्ट भी ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि हम लोग नीचे में नॉर्मली बेंड ओवर वगैरह करते हैं या फिर अड्डी बार वगैरह करते हैं, वो सारे का कॉम्बिनेशन एक ही मशीन में मिल जाता है। मतलब अपन को इस मशीन में वेट अपने अकॉर्डिंग कैरी करना है दोनों तरफ, एक राइट हैंड का एक लेफ्ट हैंड का है। अब जब इसको पुल करोगे इसलिए हल्का सा पीछे कर रिलीज आगे की तरफ पहुंच जाते और तो ये ऑल ओवर बैक को हिट करती है, ऑल ओवर बैक, हाँ मतलब ये इस मशीन में पूरी बैक की वर्कआउट हो जाती है। ठीक है, ये ही ग्रिप है, हाँ ये सेकंड ग्रिप है, ये थर्ड ग्रिप, इसमें बैक के साथ बाइसेप भी ट्रेंड हो जाते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज अ फंक्शनल ट्रेनर विद दिस मीट मशीन प्लस टी बार। ओके, इसमें टी बार दिए हुए दो दो साइड, और ये डबल प्लेट है, एक साइड दो है, तो ये भी डेफिनेटली एडवांस लेवल का फंक्शनल ट्रेनर है जो कि बालाघाट के लिए एक नया है। हाँ ये मेरे को बहुत नए टाइप में दिख रही है मशीन, ये ऊपर से भी है और नीचे में भी है, इसमें भी पुल अप बार लगा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये किस चीज के लिए है ये वाली वर्कआउट? ये पुल अप बार है, पुल अप बार। ओके, अच्छा ये दो दो पुल्ली लगी हुई है इसमें, हाँ ये डबल ब्लेड फंक्शनल है, यहाँ चेस्ट भी कर सकता है, दूसरा मतलब दूसरे साइड बैक बाइसेप दोनों चीज कर सकते हैं, साथ में दो बंदे अलग अलग साइड पे टी बार का यूज कर सकते हैं, साथ में एक बंदा यहाँ पे पुलअप भी कर सकता है, दूसरे साइड में एक बंदा इसमें मशीन से स्क्वाट वगैरह कर सकता है। अरे वाह, छह बंदे एक साथ वर्कआउट कर सकते। इसका थोड़ा सा आप वो बता दीजिए कि कैसा क्या करते हैं इसमें? एक बंदा ऐसे प्रेस कर सकता है, देन दूसरा बंदा इस नीचे प्रेस कर सकता है, अगर फंक्शनल ट्रेनर बिजी है तो देट टाइम हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस
से है ये मशीन। हाँ दूसरा बंदा एक साइड पे, इस साइड है, पुश डाउन कर सकता है, ट्राइसेप पुश डाउन, ट्राइसेप पुश डाउन कर सकता है, पुश डाउन कर सकता है। साथ ही में एक बंदा जब ट्राइसेप पुश डाउन कर रहा है तो दूसरा बंदा उसको भी यूज कर सकता है ट्राइसेप पुश डाउन के लिए। ओके फंक्शनल ट्रेनर विद स्वीप मशीन। अब हम लोग स्वीप मशीन का थोड़ा फंक्शन ट्राई कर लेते हैं। इसमें ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स की वर्कआउट लगभग हो सकती है। ओके केबल के साथ में स्मिथ मशीन है। अच्छा केबल के साथ, तो आपके पास तीनों चेस्ट के लिए तीनों प्रेस है, फ्लैट, डिक्लाइन एंड इंक्लाइन। ओके अगर फ्लैट और इंक्लाइन अगर कभी बिजी है मेंबर्स की वजह से या फिर वर्कआउट शेड्यूल की वजह से तो हमारे पास वो जो ओके ये है फ्लैट और इंक्लाइन दोनों चीज की जा सकती है। ये लेग प्रेस विद हिप स्क्वाट, इसका हिप स्क्वाट जो है वो बहुत सटीक है और वो मशीन इतनी हेवी है विदाउट एनी वेट, बिना वेट के भी आप लेग प्रेस कर सकते हो, लेकिन हिप स्क्वाट कर सकते हो। इसका यूज कैसे होता है ये आप बताइए। दूसरा वेरिएशन ऑफ स्क्वाट्स का ये है कि आप यहाँ पे सही स्क्वाट कर सकते हैं, इसका वेट अपने हिसाब से लगा के। ये जो मैं सेट कर रहा हूँ हैग स्क्वाट है, इसमें लेग के स्क्वाट्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये अपन स्क्वाट्स पोजीशन में आ गए उसी मशीन में, लेग स्क्वाट पोजीशन। यहाँ से लॉक हो जाता है ये, लॉक हो जाता है। और फिर यहाँ पे डंबल्स का सेक्शन दिख रहा है। और मेरे को एक चीज को ये बहुत प्यारी लगी यार कि आपने अंदर में बिल्कुल, हाँ हम लोगों ने अपने जिम के अंदर ग्रीनरी का प्रॉपरली ध्यान रखा हुआ है। हम लोगों ने इधर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा न्यूट्रिशन स्टोर है, ये न्यूट्रिशन स्टोर है, ये हमारा काउंटर है, ये एंट्री गेट और ये आपकी सीट है यहाँ पे, हाँ बोल सकते हैं। ये कुछ वॉल्स पेपर, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने खुद से डिजाइन किया हुआ है, ये आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, मतलब प्रॉपर एक वॉल पेपर के साथ वही वाला क्वार्ट्स नहीं मिलेगा, अलग अलग है सारा कुछ। और ये कुछ डंबल्स के सेक्शंस है यहाँ पे 2.5 केजी से 30 केजी। ओके और ये थोड़ा सा स्पेस कार्डियो सेक्शन, ये है एडजस्टेबल है बोर्ड जहाँ पे एब्डोमिनल के लिए प्रॉपर फुल वर्कआउट किया जाता है, यहाँ से एडजस्ट होता है, यहाँ एक नीचे से एडजस्ट होता है और एब्डोमिनल मसल्स के लिए पूरा हिट हो जाएगा। आप यहाँ से बैठ के आराम से बाहर के नजारे देखते हुए आप वर्कआउट कर सकते हैं, ग्लास लगे हुए है पूरा।
माय जिम फिटनेस हेडक्वार्टर, ये पूरा जिम का नाम है। और यहाँ पे हमने मैन भाई के साथ में वर्कआउट करे, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है मैन भाई ने, मजा आ गया। और इस टाइप का बहुत प्यारा जिम है, बहुत ही कलर यानी हर एक चीज का रखा गया है, कलर का हो गया जैसे कलर का नेक का कलर मिल रहा है, और ये बेंचों से ब्लैक कलर इसका मिल रहा है नेक का, और ये पूरा येलो मेस है, इसमें जिम सॉरी इसमें मशीन और ये ऊपर वॉल में पैंट है, दोनों पैंट इसमें मिल रहे हैं, और बहुत ही प्यारा जिम, मजा आ गया। और ट्रेनिंग भी आपकी बहुत प्यारी है, तो थैंक यू इतनी अच्छी प्यारी ट्रेनिंग देने के लिए, और लगे रहो। ये हमारी जिम का एड्रेस है बिसाइड होटल गलस इन फ्रंट ऑफ जूस फैक्ट्री, सेकेंड फ्लोर कोऑपरेटिव बैंक, माई जिम फिटनेस हेडक्वार्टर बालाघाट।